रोजमेरी 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 ऑल ओवर इंटरनेट रोजमेरी के बारे में बहुत ज्यादा वायरल वीडियो देख रहे थे, बहुत सारा वायरल चीजें चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए रोजमेरी आखिर है क्या और इससे कितना वर्क करता है, एक्चुअल में क्या वर्क करता है कि नहीं। सो मैंने 4 मंथ से ज्यादा होगा पर फिर भी मैं 4 मंथ ही पकड़ रही हूँ, मैंने 4 मंथ से मैंने अपना रोजमेरी वाटर मैंने अपने हेयर पे रेगुलर लगाया, जैसे कि कोई भी सीरम लगाते हैं, एंड रिजल्ट अमेजिंग। आप लोगों को मैं जब रिजल्ट शो करूंगी ना, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे रिजल्ट देख के। एंड आप लोगों को मैं कुछ फोटो दिखा रही हूँ मेरा, दो आप लोगों को स्क्रीन में दिख जाएगा। तो मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ रिजल्ट क्या है। पहले आप लोगों ने बिफोर वाला फोटो देख लिया है, एंड आफ्टर तो लाइव दिखोगी आप लोग। सी मेरा इतना हेयर, मेरा कितना हेयर, थोड़ा आप लोगों को दो साइड में मैं दिखा देती हूँ। यस गाइस, सो मेरा क्या हुआ था, मैं फ्रंट में मैं कट करने गई थी, तो सैलून वाला जो भैया है वो ना कुछ ज्यादा ही छोटा कर दिया था, तो मुझे उतना छोटा नहीं चाहिए था, मुझे एटलीस्ट यहाँ तक चाहिए था, पर उतने इतना छोटा कर दिया था, मेरे से कुछ हो भी नहीं पा रहा था। तो मैं बहुत डेस्परेट थी कि मैं कैसे बढ़ूंगी, और मुझे जैसे पता है कि मेरा हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है। फिर मैंने रोजमेरी जब ट्राई किया तो मेरे हेयर का ग्रोथ माशाल्लाह से इतना अच्छा हुआ है, अभी मेरा हेयर कितना ज्यादा लॉन्ग हो चुका है, आप लोगों ने फोटो में देखा था, यहाँ तक मेरा हेयर आ रहा है, एंड 4 मंथ में मेरा इतना हेयर मेरा बढ़ा है। कोई मजाक चल रहा है क्या, पर ये गाइस ये रियलिटी है, और मेरा हेयर इतना बड़ा है। एंड रोजमेरी आप लोगों ने अब मेरा देख लिया, अब मैं पीछे कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है। सो रोजमेरी मैं बता रही, मैंने जो मेथड से मैंने उसको जो यूज किया है, जैसे मैंने रेडी किया है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, आप लोग उसी प्रोसेस से करना। रोजमेरी से सिर्फ आपका हेयर का लेंथ लॉन्ग होता है, एंड अगर पूरा हेयर में रोज लगाओगे तो आपको हेयर को थोड़ा ड्राइनेस भी दे सकता है, बट उसके साथ मैंने कुछ चीज और इंक्लूड किया है जिससे मेरा ड्राइनेस भी नहीं हुआ है, मेरा हेयर में बहुत अच्छे से ड्राइनेस कम हुआ है, मेरा हेयर में हेयर फॉल भी कंट्रोल किया है, एंड लॉन्ग तो किया ही है। सो वो मेथड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, वही सारे चीज आप लोग यूज करना, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और रोजमेरी सच में रोजमेरी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, आप लोग गूगल्स में जाके भी सर्च कर सकते हैं, ये कितना अच्छा एक हर्ब्स है जो खाने में भी यूज किया जा सकता है। एंड रोजमेरी आप ऐसे ही रॉ अगर आपको मिल रहे कहीं पे अवेलेबल तो वो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर जो भी ड्राई मिलता है वो भी। तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था ड्राई, सो मैं वही यूज किया है, आप लोगों को अगर अवेलेबल मिलता है तो वो भी आप लोग यूज कर सकते हो जो रॉ मिलता है। सो चलो ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, पहले मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मैंने कैसे यूज किया। रोजमेरी लीव्स मैंने ले लिया है, थोड़ा सा अदरक ले लिया है, थोड़ा सा मेथी ले लिया है, अदरक मेथी एंड रोजमेरी ये तीनों का जो कंबाइंड है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अदरक आपका हेयर को बहुत स्ट्रांग करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, जिन लोगों को ग्रोथ नहीं होता है ना उनको एक किक देता है। मेथी भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेयर फॉल के लिए अच्छा है, हेयर शाइनी के लिए अच्छा है, हेयर का ग्रोथ के लिए अच्छा है। रोजमेरी बहुत ही एक ऐसा हर्ब्स है जो बहुत ज़्यादा सेफ है हेयर के लिए, जो कलर ब्लीच करते रहते हैं हम लोग, डैमेज हो जाते हैं, उससे हमारे हेयर को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, शाइनी देता है, एंड ग्रोथ तो देता ही देता है। सो मैंने 2 चम्मच रोजमेरी का लीव्स ले लिया है, उसके बाद 1 चम्मच मेथी और 1 चम्मच मैंने अदरक ले लिया है। इसको सिर्फ 10 मिनट ही बॉयल करना है, ज़्यादा बॉयल नहीं करना है गाइस। थोड़ा सा जब उबल जाएगा पानी उसके बाद ही सारी चीज़ आप डालना, उसके बाद सिम में कर देना, 10 मिनट रखना। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो मैंने पूरा पैकेट ख़त्म कर दिया इसको यूज़ करके, इतना अच्छा रिजल्ट दिया है ना, अच्छा अच्छा सीरम को इसने ना साइड कर दिया है, बहुत ही अच्छा बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट है। मैंने पूरा रिजल्ट आप लोगों के शो करने के लिए मैंने पहले पूरा इसका पैकेट को पूरा ख़त्म किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, मैं अच्छे से रिव्यू दे पाऊंगी, इसलिए मैंने
बीच में वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सोचा मैं पूरा ख़त्म करूंगी उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ इसका रिजल्ट शेयर करूंगी। सो कंटेनर जो चूज़ करेंगे वो कांच का हो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसको ना स्टोर भी कर सकते हैं हम लोग, तो प्लास्टिक या फिर स्टील का मत करें, कांच का करें। मेरे पास ना लंबा वाला कंटेनर नहीं है, ऐसा बॉक्स वाला ही है, इसको मैं ऑफिस में भी टिफिन के हिसाब से लेके जाती थी, तो मैं इससे ही अभी स्टोर कर लेती हूँ। आराम से 10 से 15 दिन ये मेरा आराम से स्टोर हो जाता है। ऐसे स्प्रे बॉटल ले लेना है, ये मैंने मिनीसो से लिया था, आपके पास कोई भी होगा, उसमें ठंडा जब पूरा हो जाएगा उसके बाद स्प्रे बॉटल में आप डाल लो आराम से। एंड जो बच गया है ना मेथी का दाना एंड रोजमेरी एंड अदरक, जो देख पा रहे हैं इसको, जो मैंने पूरा पानी निकाले, इसके बाद इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसका लीव्स को ना मैं पेस्ट बना के अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो पूरा एकदम वाटर है, कोई चिप चिप नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से स्कैल्प में लगा सकते हो, आपको कुछ भी फील नहीं होगा। सो गाइस दोनों पार्ट करके अच्छे से कोम कर लेना है, कोम करने के बाद ये पूरा जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसको बॉटल में इसको डालना है। अब हो गया है रेडी, कुछ नहीं, बस अपने हेयर को ऐसे पार्टीशन करके अच्छे से स्प्रे करना है, जैसे कि एकदम प्लेन वाटर जैसा होता है वैसे ही है। आप इसको हर रोज नाइट में इसको अच्छे से स्प्रे कर लेना है, स्प्रे करके हल्का सा बाल को सुखा लेना है। ऐसे ही खोल के आप पंखा के हवा में ही सुखा सकते हैं, फिर अच्छे से पूरा हेयर में जैसे पूरे लेंथ में नहीं, जब आपको शैम्पू करना है, जैसे कि आज आपको कल शैम्पू करना है, आज आपको शैम्पू करना है तो पूरा लेंथ पे आपको लगाना है, पूरा एकदम पूरा लेंथ में लगाने के बाद इसको आप आधा घंटा रखो या फिर एक घंटा रखो, जैसे आपको ठीक लगता है। मुझे पर्सनली ठंडा लगने का आदत है, मतलब ज़्यादा देर में सर पे कुछ नहीं रख पाती हूँ, मुझे ठंडा लग जाता है। ऐसे ही किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, आराम से आप आधा घंटा रखो या फिर 20 मिनट रखो, उसके बाद आप शैम्पू कर लो। और जैसे कि आपको हर रोज लगाना है, रात पे आपको हर रोज लगा के, जैसे कि मैंने दिखाया, स्प्रे करके अच्छे से ऐसे ही बालों को सर्कुलर मोशन में ऐसे ही अच्छे से हल्का हाथ से इसको मसाज करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है, अच्छे से इसको मसाज कर लीजिए, हेयर पे लगाना है। और इसमें ना बहुत अच्छा आपको अच्छे से रोजमेरी तो है ही, उसके साथ जो हम लोगों ने जो जिंजर और जो मेथी डाला है, पूरा आपको सबका फायदा मिलेगा, आपका हेयर बहुत ग्रोथ होगा, बहुत फास्ट ग्रोथ होगा, और हेयर फॉल ये सारे चीज़ से भी आपको राहत मिलेगी। पूरा लगा लेना है, उसके बाद बालों को ना जैसे मैं करती हूँ वैसे मैं दिखा देती हूँ, ऐसे कर लिए, पूरा उल्टा दिया, ठीक है, और ऊपर से बोतल ले लिया, पीछे अच्छे से इसको ऐसे 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 करके अच्छे से स्प्रे करना है, उसके बाद अपना फिंगर टिप हल्का सा मसाज करना है, दैट्स इट। हल्के हाथ से मसाज करना है, ज्यादा घसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एज ए सीरम के तरह आप इसको यूज करिएगा, एज ए सीरम के जैसे मैंने यूज़ किया है, तो मेरा हेयर, मुझे तो वैसे शौक है लॉन्ग हेयर का, और मेरा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू से ही है ये, मम्मी बताती थी कि मतलब मेरा हेयर का जो ग्रोथ है ना वो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, क्योंकि मेरा पापा का कम है, तो मेरा दादी, मेरा फूफू, तो मैं अपने पापा का साइड में गई हूँ, तो मेरा थोड़ा कम है, तो उतना होता नहीं था, तो अभी भी उतना हर जैसे मेरे मम्मी के हैं उस हिसाब से नहीं है, बट फिर भी बहुत, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरा इतना लॉन्ग हेयर होगा, कभी नहीं सोचा था, तो मैंने बहुत मेहनत किया है। एंड ये मेरा लॉन्ग जो हेयर हुआ है, इसका एक ही राज है, वो है होम रेमेडीज। मैं रोजमेरी तो मैंने जस्ट अभी चार महीने से ही शुरू किया है,
तो और इससे पहले भी जब से मैंने होश संभाला है, हेयर केयर करना शुरू किया है, तो होम रेमेडीज ये ट्राई करते करते मेरा हेयर का लेंथ बढ़ा है, हेयर का ड्राइनेस गया है, बहुत ज़्यादा कर्ली था वो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल स्ट्रेट हुआ है। सो मेरा हेयर का जो भी इम्प्रूवमेंट है, जो भी है, मैंने अपने हेयर के लिए कभी कुछ खर्चा नहीं किया, सिर्फ अपने होम रेमेडीज़ में ही जो खर्चा किया है। और होम रेमेडीज़ में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, पॉकेट में भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, और होम रेमेडीज़ से बेस्ट कुछ है नहीं क्योंकि उसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और जो भी है हम लोग अपने हाथ से बनाते हैं, सो होम रेमेडीज़ द बेस्ट। आई लव होम रेमेडीज़, आई लव 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 होम रेमेडीज़। तो इसको लगाना, और आप सपोज आपको अगर शैम्पू करना है तो वो भी मैं दिखा दे रही हूँ, क्योंकि आज तो मैं शैम्पू ही करूँगी। पूरा हेयर में ऐसे ही, पूरा अपना हेयर में ऐसे ही लेंथ पे अच्छा आराम से लगाना, और नीचे का जो ये है यहाँ पे लगाना है ऐसे करके, मैं दिखा दे रही हूँ। जैसे कि ये रहा नीचे का, एकदम नीचे जहाँ पे धूम ये बाल आ जाते हैं, स्प्लेंड हो जाता है, तो यहाँ पे लेके एकदम आराम आराम से पूरा एकदम अच्छे से इसको पूरा अच्छे से इसको लगाना है। तो ऐसे लेंथ पे, इस लेंथ पे भी हम लोग ऐसे कर स्प्रे कर लेंगे। इससे क्या होता है ना, मेरा जो मैंने जो देखा है, मेरा जो ड्राइनेस है ना हेयर का, बहुत हद तक चला गया है और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा होता है। सो आप लोग ऐसे करोगे, इसके बाद इसको रखने के बाद आप लोग आराम से ऐसे करके लगा लिया पूरा, इसको एक जोड़ा बांध लिया, उसके बाद यस हो गया। इसके बाद अब ये हो गया है, इसके बाद एक घंटा भी रख सकते हो, और डिपेंड करते हैं आपके ऊपर, एक घंटा रख सकते हैं। मैं तो 20 मिनट या फिर 30 मिनट ही रखती हूँ, जैसे कि मैंने बोला है मुझे थोड़ा ठंडा लग जाता है ज़्यादा टाइम रखने से, तो सर पे मैं कोई भी पैक या फिर कोई भी ऐसा चीज़ है जो गीला गीला थोड़ा सा वाटरी है तो वो मैं रखती हूँ ऐसे ही, मतलब वही 20 मिनट या फिर 30 मिनट। आप लोग 45 मिनट भी रख सकते हैं, एक घंटा आधा घंटा आप लोगों को जो हिसाब से, पर हाँ 20 मिनट से कम मत रखना। 20 मिनट मैंने बोला है जिन लोगों को ठंडा लग जाता है, बहुत ही ठंडा कफ का शिकायत है उन लोगों के लिए, अदरवाइज अच्छा और बेटर रिजल्ट के लिए आप लोग एक घंटा या फिर 45 मिनट्स रखें, वही बेटर होगा। उसके बाद आप लोगों का जो फेवरेट शैम्पू है उसके बाद आप लोग उससे वॉश कर लीजिए। तो चलो अभी मैं 20-30 मिनट रखने के बाद, वॉश करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो ये इससे रखने से आपका हेयर बहुत 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 अच्छा से ग्रोथ तो होगा, हेयर फॉल भी नहीं होगा, और उसके साथ साथ डाइट पे ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि हेयर के साथ हेयर का जो ऊपर से हम लोग तो कर रहे हैं, पर हेयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो काम करता है वो है आपके हेल्दी डाइट। सो हेल्दी डाइट को इंक्लूड करना मत भूलिए, हेल्दी डाइट हेयर के लिए अच्छा डाइट। हेल्दी डाइट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है, उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में दे दूंगी या फिर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। सो आप लोग जाके उसको चेकआउट जरूर करें, इस रेमेडीज़ को आप लोग घर पे यूज़ करें। यहाँ इसको आप हफ्ते में 2 से 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, और जो डाइट है उसको फॉलो करें, उसके बाद हेयर में जो चमत्कार होने वाला है और हेयर का हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आप लोगों को मिल जाए। तो खुद आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। सो गाइज, आप लोगों ने पूरा प्रोसेस तो देख लिया है, अब आप लोगों को मैंने फ्रंट का दिखाया, आप लोगों को मैं बैक में भी दिखाती हूँ कि मेरा हेयर ग्रोथ माशाल्लाह से कितना अच्छा हुआ है। सो मेरा वीडियो जो लोग देखते होंगे उन लोगों को पता है, क्योंकि मैंने हेयर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो दिखाया भी पहले है, एंड उसमें भी मेरा अपना लेंथ का आप लोग देख सकते हो। सो मैं दिखाती हूँ, सो मेरा हेयर अभी माशाल्लाह से इतना ग्रोथ हुआ है, एकदम कमर से छोड़ के मेरा हेयर एकदम बढ़ गया है, पूरा देख सकते हैं आप लोग, पूरा यहाँ तक आ गया है। और मुझे और भी थोड़ा लॉन्ग करना है, क्योंकि लॉन्ग हेयर मुझे बहुत पसंद है, आई लव लॉन्ग हेयर। तो बट हाँ, मेरा एक चीज़ है
कि मुझे थोड़ा ठंडा लग जाता है, तो मैं वाटर शायद इसको और ज़्यादा, मतलब नवंबर जब आ जाएगा उसके बाद मैं वाटर यूज़ नहीं कर पाऊँगी, मुझे ठंडा लग जाता है क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा विंटर आना शुरू हो जाएगा। तो नवंबर के बाद मैं हेयर ऑयल यूज़ करूँगी रोज़मेरी का। सो मैं वो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, रोज़मेरी का जो पैकेट है वो पूरा ख़त्म हो चुका है, मैं आप लोगों को फिर दिखा रही हूँ। सो गाइज, ये है मेरा रोज़मेरी का पैक, ये पूरा जैसे कि पूरा ख़त्म हो चुका है। सो अब मैंने ऑलरेडी ऑर्डर लगा दिया है, इसके बाद जब आएगा तो, और मैं कुछ टाइम तक ऑलरेडी मेरा अभी फ्रिज में स्टोर मैंने कर लिया है। सो अभी मेरा और कुछ नहीं तो 10-15 दिन तो चल ही जाएगा, उसके बाद जब मैं नेक्स्ट में बना के रखती थी, अब मैं नहीं बनाऊंगी, अब मैं रोज़मेरी का मैं ऑयल बनाऊंगी, उसके साथ और भी कुछ हर्ब्स में ऐड करूंगी। सो यस, उसके बाद मैं वो कंटिन्यू करूंगी, फिर उसका क्या रिजल्ट होगा वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी एटलीस्ट 4 या फिर 5 मंथ के बाद। मैं कोई भी चीज़, जब होम रेमेडीज आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए, वो है सबर, पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि रातों रात कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता है। सो सबर के साथ, पेशेंट के साथ और एक चीज़ के साथ, ट्रस्ट के साथ ही आपको अप्लाई करना है। कोई भी चीज़ करो आप अगर ट्रस्ट करोगे ना तो आपके ऊपर बहुत अच्छे वर्क करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ होम रेमेडीज होता है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं होता है, तो थोड़ा सा वक्त लगता है बट आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा देता है और बहुत लॉन्ग टर्म देता है रिजल्ट। तो यस गाइज, आप लोग इस वाटर को, रोज़मेरी वाटर को अपने रूटीन में इंक्लूड करो, ऐड करो, रोज़ रात में लगाओ या फिर जब जब आप लोग शैम्पू करो तब तब लगाओ, और आप लोगों का हेयर भी बहुत अच्छे से ग्रोथ होगा, हेयर में बहुत अच्छे से आप लोगों को डिफरेंस नज़र आएगा। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट करके ये भी बताना कि आप लोगों को और किस टॉपिक पे वीडियो देखना आप लोगों को चाहते हो, क्या प्रॉब्लम है जिसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं वो वीडियो आप लोग जो चाहते हो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। सो गाइज, आज का वीडियो यहां तक रहा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ मैं हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग तक नोटिफिकेशन जाए, आप लोग वो वीडियो इंजॉय कर सको और आपके लाइफ में वो ऐड कर सको। और आप लोगों के पास भी कुछ अच्छा रेमेडीज़ है जिससे आप लोगों का हेयर लॉन्ग होता है, या फिर कुछ और अच्छा, मतलब जैसे हेयर फॉल, ये सारी चीज़ें, तो वो भी शेयर करो। कुछ चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कुछ चीज़ आप लोग मेरे से शेयर करूँगी, तो ऐसे ही हम लोगों का बॉन्डिंग अच्छे से बना रहेगा, क्योंकि आप और हम दोनों दोस्त ही तो है, एक दोस्त दूसरा दोस्त का साथ देगा और ऐसे ही हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए मैं आप लोगों से बाय बाय बोलती हूँ, बाय, टेक केयर, हैप्पी हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अपने हेयर को भी हेल्दी रखिए।